फिरोजाबाद आज अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने टूंडला सुभाष चौराहे पर लगभग दो दशक से स्थापित अमर शहीद श्री सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को कवकर सौंदर्यीकरण करने के लिए एक ज्ञापन टूंडला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार को सौंपा। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री लोकेंद्र सिंह पोनिया, प्रदेश महामंत्री रामतीर्थ सिंह चक, संयोजक सचिन जैन, डॉक्टर गौतम सिंह नोहवार, प्रदीप पाठक, सुधीर कुमार सिंह, मुकेश उपाध्याय आदि। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मैं राष्ट्रीय संयोजक अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ। आज आपने जो ज्ञापन दिया यो आपको किस उपलक्ष में दिया, क्या कहना चाहते हैं? चौराहे पर हमारे मार्गदर्शक हिंदू युद्ध सम्राट सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बहुत दिन से दयनीय हालत में थी और उनका जीर्णोद्धार करने के लिए हमने ईओ साहब के पास आज आना हुआ है हमारा, और उसके आसपास की दशा का सुधार हो सके इसलिए हमने आज ईओ साहब को ज्ञापन भी दिया है। और मूर्ति के आसपास की स्थिति अच्छी हो सके अच्छी तरीके से, यही हमारा संकल्प है। आज जो राष्ट्रीय गौमाता संघ की तरफ से आपको ज्ञापन दिया गया है किस उपलक्ष में दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे शहीद सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का जीर्णोद्धार किए जाने के संबंध में था, इसमें हम निम्नानुसार कार्रवाई करके आगे बढ़ा।